वेलकम बैक टू चैनल गाइस। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि आप अपनी गाड़ी में, मेरे पास जो है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट है, तो उसमें आप मतलब मारुति की किसी भी गाड़ी में अपना सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि कोई भी गाड़ी को आपके हाथ लगाता है या व्हाटएवर कोई भी छेड़छाड़ करता है तो गाड़ी हॉर्न आउट करने लगे। तो जस्ट यही मैं बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे स्टेप फॉलो कीजिए ताकि आप अपनी गाड़ी को सिक्योर कर पाए। सो गाइज, हम आ गए हैं अपनी स्विफ्ट में। सो कर लेते हैं इसका सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाएगा। एसी के इवेंट को कर देते हैं थोड़ा स्लो ताकि आपको मेरी वॉइस भी सुनती रहे, कोई डिस्टरबेंस ना हो। सो गाइज, जिस तरह से आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं, इसके साथ में ही एक ये नॉब दिए होते हैं, दो नॉब दिए होते हैं। फर्स्ट वन ये है एंड सेकेंड वन आपके लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, ये वाला। सो आपको जस्ट नॉर्मली करना क्या है कि राइट साइड वाले को आपको 3 से 4 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, 1, 2, 3। और ये देखिए ऑप्शन आ गया है क्लॉक का। अब आपको इसको इस तरह से घुमाना है, बिल्कुल हल्का सा क्लॉक दिख रहा है, डोर लाइट्स एंड देन यहाँ पे आपको सिक्योरिटी दिख जाएगा। देन इसको अंदर पुश करना है, मेरी फिंगर पे देखिए आप अंदर पुश करेंगे, ये सिक्योरिटी सिस्टम का ऑप्शन आ गया S2। फिर रोटेट करेंगे S3, S4 एंड बैक। तो बैक नहीं चलते हम, फिर से ये है S2। S2 पे अंदर प्रेस करेंगे तो ये आ जाता है SL1। ये सेटिंग है इसकी, SL1 पे मैंने सिलेक्ट कर रखी है। SL1 का मतलब है आपका सिक्योरिटी सिस्टम ऑन है ऑलरेडी। और अगर आप इसको SL2 पे करके इसको अंदर प्रेस कर देंगे देन ये SL2 पे सिलेक्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है आपने सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम बंद कर दिया है। सो हम इसको नहीं छेड़ते हैं, हमारा SL1 पे ही रहेगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसको बंद करें, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है। बैक जाएंगे, अब आती है बात S3 पे। S3 पे एंटर करेंगे, ये देखिए S3 पे फिर रोटेट करेंगे, 1, 2, 3। ये है इसकी सेंसिटिविटी कि आपकी गाड़ी को अगर कोई हार्म पहुंचाता है तो उसका लेवल कितना है। ये देखिए इसको मैं रोटेट करता जा रहा हूँ, ये कितने टॉप हाई लेवल इसका होता है, मेरे ख्याल से 15। ये 15 पर है। 15 का मतलब, अगर इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के पास से मान लीजिए एक बुलेट भी जा रही है जो पटाखा बजाती हुई, तब भी ये गाड़ी हॉर्न आउट करने लग जाती है, जिससे आपको मतलब इतने ज़्यादा भी रखना नहीं चाहिए इसको। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि भाई आप 12 से 13 पे रखें ताकि कोई आपकी गाड़ी पे हल्का सा पंच करता है तब भी गाड़ी ऑन आउट करने लग जाए। तो मैंने यहाँ पे S15 पर सेलेक्ट कर रखा है। सो अब बैक जाएंगे, देन आता है S4। S4 सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी सेम आपको 15 तक आपको जो है इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आप इसकी जो वॉइस है मतलब अलार्म का जो साउंड है वो कितनी लाउड होना चाहिए। मैंने फुल लाउड कर रखा है S15 पे, तक कितनी भी दूर हो एटलीस्ट आप तक वो साउंड पहुंच जाए और जो भी गाड़ी से आपसे छेड़छाड़ कर रहा है वो दूर भाग जाए। इस तरह से हम बैक चले जाएंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, जिस तरह से आप सिक्योरिटी सिस्टम पे आए, मैं यहाँ से भी बैक चला जाता हूँ। अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो डिफॉल्ट पे हो जाएगा, एंड करेंगे तो आपका सारा आप बैक चले जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ जाएंगे। तो गाइस, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरीज हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो सारी क्वेरीज पे वीडियो बना के जल्दी अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और एटलीस्ट सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। तो गाइस, बात आती है ये वीडियो बनाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली मेरी सोसाइटी में एक अंकल रहते हैं, बार बच्चे हैं जो उनकी गाड़ी को रोज टच करते हैं, उन पे स्क्रैच बनाते रहते हैं, ड्राइंग करते रहते हैं। तो अंकल बहुत परेशान थे, सो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि अंकल आपकी गाड़ी में सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर दीजिए। तो अंकल मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज सबके साथ शेयर की जाए और आप लोगों को भी बताया जाए, मतलब जिनको नहीं पता है कि गाड़ी में सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह से ऑन किया जाता है। होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने वाला हूँ।